हे गाइस, दिस मार्टिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और अगर आप पहली बार देख रहे हो भाई को, तो यार सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ, वरना आप सबके घर आके घंटी बजानी पड़ेगी मुझे। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आप भी हमारे जैसे हो कि जिस सोलो राइड करना पसंद करता है ज़्यादा, या उसकी मजबूरी है कि सोलो राइड करनी पड़ती है उसे, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। हाँ तो गाइज, अगर आप सोलो राइड करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना रूट प्लान कर लेना चाहिए कि आप कौन से रूट से जाएंगे, जहाँ भी आपको जाना है। जैसे मैं जनरली अगर सोलो राइड करता हूँ तो हमेशा सीपी ही जाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उसका रूट मेरे को पता है और बिल्कुल सीधा सीधा ही है। वैसे तो इतना कोई हार्ड रूट है नहीं, पर जो भी है मेरे को पता है और आपको भी पता होना चाहिए अगर आप अकेले राइड कर रहे हो, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो और आपको मैप्स खोल के देखना ना पड़े, और सबसे बड़ी बात आप कहीं खो ना जाओ। हाँ तो गाइज, आपको अपने पंचर किट अपने साथ रखनी चाहिए, स्पेयर या फिर ट्यूब स्पेयर ट्यूब्स रखनी चाहिए, ताकि अगर आपको रास्ते में आपको मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं इंडिया गेट जाता हूँ या दिल्ली में इधर उधर होता हूँ, और मेरी साइकिल कितनी बार ऐसा हुआ है पंचर हो गई, और मैंने एक दो बार तो वीडियो में भी डाला हुआ है कि मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो गई और मेरे को वहीं पर ही साइड में लगा के बदलना पड़ रहा है। और वो तभी मैं बदल पा रहा हूँ क्योंकि जनरली ये वाले पंचर जो होते हैं हमारी पतले टायर के रोड बाइक्स के, वो ऐसे मिलते नहीं है रोड पर, मतलब पेट्रोल पम्प वगैरह पर ऐसे नहीं मिलते। तो वही सीन है, इसलिए आपको अपने साथ रखना चाहिए और आपको आना भी चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वही है मेन, आपको पंचर किट अपने साथ रखनी चाहिए जिसमें टायर लिवर्स, ग्लू और पैचेस वगैरह होते हैं, और ट्यूब्स रखनी चाहिए ताकि अगर आपकी ट्यूब में ज़्यादा पंचर हो जाए, एक या दो से ज़्यादा पंचर हो गए, तो आप फिर फटाफट ट्यूब बदल लें और आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। हाँ तो गाइस, आप हमेशा जब भी आप सोलो राइड करें हमेशा किसी ना किसी से टच में ज़रूर रहना चाहिए, चाहे वो आपका बंदा हो, चाहे वो आपकी बंदी हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपके पापा हो, पर आपको टच में ज़रूर रहना चाहिए, ताकि बाय चांस अगर आपके साथ, वैसे अगर नहीं हो मैं तो यही चाहूँगा, बट अगर बाय चांस आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो आप उनको ईजिली इन्फॉर्म कर पाए और वो आपको ईजिली उस मिसहैप से निकाल पाए। हाँ तो गाइज़, अगर आप सोलो राइड करते हैं, सोलो राइड करना पसंद करते हैं ज़्यादा ही, तो आपको हमेशा अपने साथ स्नैक ज़रूर रखने चाहिए, ताकि अगर आपको रास्ते में जैसे डिहाइड्रेशन हो या कुछ भी हो तो आप खा लें, जैसे बनानाज हो गई, एनर्जी बार्स हो गए, और पानी तो हमेशा होना ही चाहिए आपके साथ। गर्मियों में तो दो बॉटल्स मिनिमम है, और वो उससे भी ज़्यादा ही। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं दो बॉटल्स लेके जाता हूँ गर्मियों में, और मेरे को तब भी एक बॉटल एक्स्ट्रा खरीदनी ही पड़ती है, और सर्दियों में एक बॉटल से काम हो जाता है, पर आपको हमेशा पानी ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपको रास्ते में कभी भी डिहाइड्रेशन ना हो। हाँ तो गाइस, सबसे बड़ा फ़ायदा तो अकेले राइड करने का ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड को तेज़ या धीरे कर सकते हैं। मैं जनरली हमेशा जब भी ग्रुप राइड करता हूँ तो हर बारी मेरी धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती है, क्योंकि मुझे हर बारी ये रहता है कि यार जो आगे निकल गया है अगर मैं रुकूँगा तो वो ज़्यादा आगे निकल जाए, या मैं अगर नहीं रुकता तो जो पीछे वाला है वो ज़्यादा दूर ना रह जाए। तो मैं अपने मतलब हर बारी कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि यार मैं रुक पाऊँगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको रुकने का भी मौका मिल जाता है, आप जितना चाहे उतना रुक सकते हैं। आपको रास्ते में कोई लैंडस्केप दिख जाए या कोई सीनरी ऐसे दिख जाए जो आपको रुकना है कि हाँ भाई इसको तो कैमरे में कैद करना पड़ेगा, तो अगर आप ग्रुप राइड पे होते हो तो आपको ये रहता है कि यार मैं रुकूंगा तो आगे वाला जो चल रहा है आगे वो कुछ ज़्यादा ही आगे ना निकल जाए, और आप अकेले होते तो आपको इतनी कोई दिक्कत ही नहीं रहती, किसी की टेंशन ही नहीं रहती। और मेरे हिसाब से तो गाइज यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको सोलो राइड करते हुए ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना, और बाकी वीडियो को यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भी, और बाकी बढ़ाओ वीडियो जैसे भी है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।